सजनो सामण का बीना अरे छोरी अपने जित ब्याह राखी दी उड़े बरंडे में खाट गाल रही ऊपर पंखा चल गेट बंद सोन लाग रही। इतनी देर में तो भारी में एक छोटी सी छोरी ने कुंडी खड़खड़ाई नूली ए चाची कुवाड़ खोली एक बार वह उठ के आई और उसने आते कुवाड़ खोले गेट खोलिया वह छोटी छोरी एक कटोरी ले रही ऊपर कपड़ा ढक रखा नूली ए काकी देख मैं मेरी माँ ने भेजी नूली आए बेटी शेकर दुफारी में के लेना ही तू के ले रही इस कटोरी में नूली ए काकी मेरा मामा आ रहा है और मेरी माँ की कोथली लाया है और इसमें घेवर पतासे सुहाड़ी और बिस्कुट वो जो कोथली का सामान है अगर वो शहर मेरी माँ ने गया असल तेरी काकी ने भी दिया और काकी मैं तो यू देना ही नवली ठीक से बेटी ये कटोरी लेकर रसोई में रेतान खातर जब जान लगी ना बरंडे में बार भाई का फोटो लाग रहा था अरे एकदम से भीतर बड़ा लगे ना फोटो का ना ध्यान पड़ गया उड़े ही रुकी थी और मन में सोचने लगे नवली आए ओहो आए कदे तो मेरी भी कोथली आया करती लेकिन मेरा एक ही माज आया भाई और देखे आज मैंने भूल गया माया में इतना गलतान हो गया चौगरदत माया बरसे से सुतरा नौकरी लाग गया और बहु भी नौकरी लाग रही सर तरपिया बरसे मैं एक ही माज आई बान और मन नहीं भूल गया कदे तो इतना प्यार हुआ करता माज आई बान भैया किसी का भी ना हो और आज आज मेरा भाई मेरे धोरे फोन तो ही भी नहीं करता लोगों छोरी ने फोटो पर तार लिया और उस फोटो के लिए बतला लगी ने बोले रे भाई एक भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया में ऐसा बताया जो सबसे पवित्र रिश्ता होता है रिश्ता बड़ा कीमी भी नहीं को समझे तो हरना तो भाई कुछ सही नहीं न बोले रे बीरा अरे एक बार न चाहे कि उसके भाई के साथ उसका प्रेम उसका रिश्ता बना रहे सारी उम्र लेकिन मेरे बीरा तना तो मेरा घर आना जाना छोड़ दिया अरे मेरे भाई मेरे से ऐसी कौन सी भूल कौन सी गलती होगी रे ऊ तो तू आंदा ही नहीं समण का भी ना लाग रहा कोथली की आड़ लेके कोथली का बहाना करके मेरे पास आ जा जो सत्रह खर्चा होगा वो खर्चा भी मैं दे दूंगी पर मेरे भाई न्यू मत कर अपनी बाण के लिए छोरी रोन लागी आंसू पड़न लागे और हाथ में फोटो लेकर रोती रोती उस फोटो तक बतलान लागी और एक बात के द्वारा क्या कहती है एक एक मणके बोल लिख दिए लिखना तोड़ कर दिया ध्यान से सुनना ये कोई भजन नहीं है एक बाण के दिल की पुकार है अपने भाई को बाण क्या कह रहा ले के फोटू बैठ गई सो आरे बीरा
यह दुनिया ठीक तो है जब तक माँ जीवे से ना, इतने बेटी का पीर में सिर हो से माँ मरे पाचन भाई भाभी किसे किसे के भागाले हो से ना, तो भाई भाभी भी बदल जाते हैं। अरे वीरा देखे माँ जब जिया करती रे मेरे कितने लाड होया करते, राजी हो जा करती रे मने देख कर बाजी आ करती है मेरी बेटी आ की गप्पी भरा करती। और जब तक माँ मरी से ना, अरे वीरा तेरी भी मती गति फिर की, तेरी भी बुद्धि काम करना छोड़ गई और तेरी घराली तो मन देखते पत्थर तोड़ी गिर गई। अरे मेरे तर सारे लाइट रेते मरल के रे। अरे वीरा माँ के मरगी मेरा तो पीर छूट गया, रोती रोती नंबर दो बछोरी के गला। तीन पे इतना कड़ा हरक आ गया छोरी तो बोली रे बीरा जिसका माँ का जाया कोन्या हुआ तो न्यू सबर कर ली सके भगवान ने दिया है कोन्या, और जिसका मर जा वह न्यू सच्ची में मुक्का मार लिया के भगवान ने दिया था और मेरा तो खोज लिया। इसका गत किसी का हाथ नहीं अड़ता, लेकिन बीरा मैं मुझसे कुओं में पड़ूंगा, मेरा भाई जीवे भी से और उसके बाद भी मेरे बार त्योहार सारे सुख के जावे। देखे भैया दूध सलोमन का वो त्योहार, सारी बाण अपने भैया घर राज्यों के पोची बांध है, किसे का भाई घर पोची बंधवान आवे और किसे की बाण पोची बांधन पीर में जावे। मेरे दोरे ना तू आंदा ना मने बुलांदा। अरे वीरा कोई सामन में कोई साठ में कोई फाकन में मेरा नहीं इस दुनिया ने के रीत बना रखी तो सारी ये रीत भूल गया रे पीरा। ये तब्योत हो से किसी का नरब्योत से किसी का गर्भ्योत से मैं गरीब हूँ। आज तेरी भगवान ने माँ पकड़ रखी तरह दो रुपये हो गए, पर इसका मतलब यू तो नहीं कि तू तन के न सब अपनी बाण नहीं भूल जाएगा। गलत बात है मेरी भाई, फोटू के ला बतलाते हुए तीन नंबर पर छोड़ी चला गया। भाइयों की संख्या है एक दो भाई सुन लग रहे जो मैंने सुना उनसे आज और की विनती करना चाहता हूं, जिसे भी टूटे फरड़े होना लोगो अपनी बाण का कदे दिल ना तोड़ियो। नुका डकर भी बे तेरा ही घर से माँ बाबू जी यार दे जब भी तेरा ही थराज भी तेरा ही जाए। लोगो सबसे बड़ी दुख की बात यह लोग नु कहते हैं रामदत्त भाई तू ये बाणा के भजन गावे तो है, जिसके घनी बाण घनी बेटी होनी बोले उसने पूछ के देख कितना खर्चा हो से। मैं उन महामूर्खों को एक बात कहना चाहता हूं, अरे ओ मूर्खों मेरे कान देखो सात बाण से मेरे बाज आई, अरे मेरा कौन सा टोटा आ गया बताओ, मेरे तो शरीर पर कपड़े भी नहीं होने चाहिए थे और मैं ठाठ ले रहा भगवान ने मौज कर रखी लाखों रुपये भी कमाने लग रहा, ना कोई काम करता सिर्फ भजन गाऊंगा ये क्या है।
यो बाणा का आशीर्वाद है, ये बड़े बुजुर्गों की दुआएं हैं। ये जो सी बुढ़िया फोन कर कर इनु गनी बेटा तू चिंता रहो तेरे सोने के मंडेरे होने जुलसी बाणा तो 10 रुपये दे दे और वह बाण फिर बदला मनु कहेंगे रे मेरा भाई छाती का लाग पुचकारेगी। ये दुआएं काम आती हैं, सबसे बड़ी कमाई है आशीर्वाद की, दुआओं की, आशीष की सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ी दौलतिया है। रुपया ना दुनिया कमावे है, अगर नीत अच्छी हो तो लक्ष्मी माता गेल पड़ ले आदमी का। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं, लोगो मनो टेप देखा हरी दादी महाराज घर खान का डक्सर दाने को नहीं होया करते, अपनी औकात नहीं भूली चाहिए। वो आदमी नहीं होता जो अपनी औकात को भूल जाए। मेरा बाप ने काम कर लिया, दिहाड़ी मजदूरी कर ली, तो रोटी खाली ना भूखे सवार नहीं। लेकिन आज मैंने कोई भगवान जी सी मौज मारी हो रही ना, किससे की नहीं हो रही होगी। मैंने तो कदम सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी लक्ष्मी माता मेहरबान हो जाएगी, इतनी भगवान बात कर देगा। मैं आगे आगे भाज रहा हूँ, लक्ष्मी मेरी गेल पड़ रही, कड़ा जाओगा, आ जा बेटे। लोगो जिसकी नीत खरी होती है भगवान बिना मांगे दे। परमात्मा की कसम खा के कहता हूँ, सच्ची जो तक खड़ा हूँ झूठ बोलो तो मेरा नाश हो। मन कदे भगवान तो मांगिया को जाए, कदे मैंने नूरी कहा भगवान मैंने न्यू दे दे या चीज दे दे वा दे दे, नहीं बिना मांगे भगवान ने तो बेटिया की जोड़ी दे दी से सुतरे। ये सब बढ़िया गाँव है, LKG क्लास में पढ़ा जीत के तोतले कलाकार, आप YouTube पे सर्च करके देखना, बड़े बड़े के होश उठ जाए, इतने सुतरे गाँव मेरे बालक। तो बेटे घर सेवा करना बुढ़ा बाप माँ स्वर्ग में जाली, और सुतरा खुद का घर और बढ़िया गाड़ी, और जिस कार में लग जा राम राम की तूड़ी ही उड़े तारबर की बाणा ने दीख जाए तो देखते रहती है जेंगे मेरा भाई आगे राम दन। ये होती असली कमाई जिंदगी की। वो भगत सिंह ने कहा था, मैं बोला जीवन लंबा नहीं, जीवन बेहतर होना चाहिए। उम्र चाहे छोटी हो पर उम्र इसी होनी चाहिए, जब दुनिया से बंदा जावे तो दुनिया का एक आदमी रोवे, ये भगवान तने या के करियो क्यों उठा लिया तो बना। लोगो कर्मों का खेल है। अरे भाइयों इन बाणा का तिरस्कार मत किया करो, बाण बेटी को लेने देने से दान करने से टोटा नहीं आया करता रे मूर्खो। तूना दौलत बढ़ती है, दान पुण्य करने से आज तक किसी का पैसा घटा नहीं है, बढ़ा है। क्योंकि संत कबीर जी ने भी कहा है, तो बोला चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, और लोगो दान दिए धन नहीं घटे, यूं कह गए दास कबीर। दान देने से कभी घाटा नहीं आता, दूना फलिया गया। जिसने दादी जिसने न्यू करण की आदत होगी ना, भगवान उसने न्यू रखेगा भिखारी बना देगा, और जिसने न्यू करण की आदत होगी ना भगवान उसने दाता बना देगा। उसने नू देख लिया इसकी नीत बढ़िया, इसको दाता बना। ये चीज सीखिए, जरूरी नहीं कि हमारे पास तक दौलत माया होगी सबे हम दान करेंगे, अरे जितना है उसमें से तो करना सीखो। और नहीं कर सकते तो अपनी बाण बेटियों का मान सम्मान तो करो, और बाणों से भी विनती करूंगा बेबे भाई भाभी जिसे भी तीन तक ये देवे जिसे भी 10-5 रुपये देवे बेबे माथा लाकर चुचकारा करो नू ना कहा करो तारा तो जमा नाश हो रहा है, 1-50 रुपये की सुतनी दी गणी छोरिया की आदत हो गलत बात ना बेबे। आप रुपया पीसा तुम ठेकरी तीर तक लेन अपने पीर बताया करो मेरी बाणो, ये तो तारा घर से तमाड़ा जमीज हो, इन गाड़ा में तुम खेली हो, ये गांव के रूप ये गांव के कोड़े तारा सिर से इस गांव में बेबे, और ये चाची ताई इन फेटना आया करो, लालच मत रखा करो मन में, जिसका जीसा ब्यों तो तऊ सा भाई दे दे है। गलत बात है घना धक्का करना भी गलत है, दान समझाऊ और भाइया ने नहीं समझाऊ, जितना गला ला के दान कर उसको बाण के लिए करना, और चाहे जमा भी ना दे एक बार फोन करके बाण ने बस न्यू कह दे आए बेबे ठीक से बेबे घबराइए ना तेरा भाई खड़ा से, चाहे 1 रुपये का भी सारा ना लाओ बस कह दो नुका अगर लोगों कह दिया सब कर दिया डूबते को तिनके का सारा बाण इतने में पाटन हो जाएगी रे भाई, तने कह दी इसी मेरी मदद कर दी, इतना है बहुत हो जाए बाण भाई के तो मुंह के बोलने बहुत हो। लेकिन आजकल के लोग फोन भी नहीं करते, गलत बात नहीं नहीं, असली जगराता ये है, इसको कहते जगराता। रात को नहीं जगाना अपने आप को जगाना, जुड़सी बाण भाइया तो टूटी बैठी, और जुड़से भाई बाण तो टूटे बैठे, चौथी गली ज्ञान तो सुनो कैसे।